Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. So, hello everyone. आज का हमारा चैप्टर है कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक है, थोड़ा सा जुकाम है भाई, एडजस्ट कर देना. ठीक है, तो देखो, जो ये वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है ना, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, इसको बहुत आप इम्पोर्टेंट लगा के चलो. क्यों? क्योंकि इसमें जैम में कम से कम आप 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, और गेट में भी कम से कम 2 से 3 भी हो जाते हैं कई बार. ठीक है, गेट में भी 2 से 3 क्वेश्चन आप कम से कम इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, ऐसे ज़रूरी नहीं है कई बार, जैसे अब की बार गेट में 1 ही आया था, लेकिन उससे पिछली बार 3 आए थे. ठीक है, उससे पिछली बार 4 भी आए थे. तो मतलब कम से कम 2 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो. ठीक है, वही जैम है, जैम में कई बार 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं. ठीक है, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. और एक बात ये कि इसमें जैसे मैंने आपके 5 टॉपिक लिए, उन 5 टॉपिकों में आपके लगभग लगभग जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे के सारे आपके उसमें आपके कवर हो जाएंगे. ठीक है, मतलब मैं आपको 5 और 5 सारे टॉपिक करा रहा हूँ जिसमें से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है, फिर भी लेकिन अगर आपको सारा चैप्टर पढ़ना है, तो अंजलि मैम ने पिछली बार आपको कराया था ना नेट के क्रैश कोर्स में, तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके वो वीडियो भी देख सकते हो. ठीक है, चलो. हाँ, हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पहला टॉपिक हमारा मोलर कंडक्टेंस. तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना तो आपको पता होगा ना, जो जैसे V = IR. ठीक है, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं. V = IR होता है, ये आपका करंट होता है, R आपका रेजिस्टेंस होता है, V आपका पोटेंशियल होता है. ठीक है, और रेजिस्टेंस को क्या लिख देते हैं, रेजिस्टेंस V = ρL/A. ठीक है ना, जिसमें से R आपकी रेजिस्टेंस है. ठीक है, रो आपकी रेजिस्टिविटी है, L/A आपका क्या होता है, सेल कॉन्स्टेंट होता है. ठीक है, ऐसे ही कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हम जी से वो करते हैं, डिफाइन करते हैं. कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होती है, ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, द इज विद विच करंट कैन फ्लो, वही होती है ना आपकी कंडक्टेंस. ठीक है, और कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को जैसे हम कापा से डिफाइन करते हैं, Kappa = gL/A. ठीक है, तो ये सब मेरे ख्याल से आपको पता ही है. इनकी यूनिट क्या होती है, जी की साइमन, L/A सेंटीमीटर इनवर्स, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. ये आपकी कापा की, कापा क्या होता है, कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी क्या होती है कि अगर आप क्या कह रहे हो, चलो हम कंडक्टिविटी से शुरू करते हैं. सबसे पहला हमारा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है, थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए. ठीक है, कंडक्टिविटी कापा से डिफाइन करते हैं. कंडक्टिविटी होती क्या है कि कंडक्टिविटी, अगर हम दो जो हमारी इलेक्ट्रोड लिया उनके बीच का डिस्टेंस हम 1 यूनिट ले लें. ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट ले लें, तो उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस आएगी वो आपकी क्या होती है, कंडक्टिविटी. जैसे हम बोलते भी हैं भाई, Kappa = gL/A. ठीक है, जी आपकी क्या है, कंडक्टेंस. एल आपका क्या है, लेंथ दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में. ए क्या है आपका, क्रॉस सेक्शन. तो एल और ए की अगर वैल्यू अगर हम 1:1 रख दें, तो कापा जी के इक्वल आ जाएगा, कापा जी के इक्वल आ जाएगा. जी आपकी क्या होती है, कंडक्टेंस. यानी कि अगर हम यूनिट लेंथ ले लें, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लें, और उसकी अगर हम कंडक्टेंस मेजर करें, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी कंडक्टिविटी के इक्वल होती है. ठीक है, अगर लेंथ यूनिट होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, यूनिट हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है. यानी कि हम यूनिट वॉल्यूम का बोल सकते हैं कि जो यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस होती है वो आपकी किसके इक्वल होती है, वो आपकी कंडक्टिविटी, यानी कि कापा, वो आपकी कापा के इक्वल होती है. ठीक है, इतनी बात समझ में आई. यहाँ से इसकी यूनिट देख लो. यूनिट आपको जैसे इलेक्ट्रो में भी, और सारे फिजिकल में बोलता हूँ वैसे तो मैं, वैसे इलेक्ट्रो में आपको यूनिट बहुत ज़रूरी है. क्योंकि कई बार आपका क्वेश्चन में है ना, आपको समझ नहीं आता कि आपको कंडक्टिविटी दिया है. ठीक है, या फिर आपको मोलर कंडक्टिविटी दिया, या आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया, तो उसके आपको
मतलब पता करने का तरीका क्या है यूनिट। अब यहाँ से अगर आप किसी यूनिट देखोगे तो जी क्या होता है, वन बाय आर, वन बाय आर होता नहीं, वन बाय ओम बोल दो या साइमन बोल दो, ये आ गया साइमन। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में ले रहा हूँ तो लेंथ सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो कंडक्टिविटी की आपकी यूनिट क्या आएगी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये तो बात हुई आपकी कंडक्टिविटी की। अब देखते हैं हम मोलर कंडक्टिविटी। सेकेंड आपका कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी अगर आप देखो ये मान लो, ठीक है, ये मेरा एक कंटेनर है। ठीक, इस कंटेनर में मैंने एक वी वॉल्यूम ले लिया इसका, ठीक है, और इसमें मैंने एक मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। ठीक है, कंटेनर में मैंने सॉल्यूशन कितना लिया, V, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या था, V, ठीक है, और उसमें मैंने एक मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अब अगर मैं इसकी क्या करूं, इसकी कंडक्टेंस मेजर करूं, ठीक है, तो वो क्या आएगी, वो आएगी आपकी मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी होती है आपकी एक मोल की। ठीक है, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के जो आपकी कंडक्टेंस आएगी, वहाँ कापा में क्या था, कापा में आपने यूनिट वॉल्यूम लिया था। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ आप एक मोल इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो आपकी कंडक्टेंस आएगी वो आपकी क्या होगी, वो आपकी होगी मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। अब यहाँ देखो, हमने लिया था यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वन, यूनिट वन होता है ना, वन के लिए जो आपकी कंडक्टिविटी थी वो क्या थी, कापा थी। ठीक है, वन के लिए जो आपकी कंडक्टिविटी थी कापा थी, तो वी वॉल्यूम के लिए आपकी जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, कापा इंटू वी, यही होगी ना, वी वॉल्यूम के लिए आपकी जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, कापा इंटू वी। अब यहां से एक चीज देखेंगे हम, अगर हम मोलैरिटी निकालना चाहें सॉल्यूशन की, मोलैरिटी क्या आएगी, वन मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया मैंने, यानी कि वन डिवाइड बाय वी वॉल्यूम लिया, मोलैरिटी इज इक्वल टू वन बाय वी हो गया। ठीक है, तो यहां से मैं अगर इस v की वैल्यू रखूं तो यहां से क्या आ जाएगा, कापा डिवाइड बाय m। ठीक है, क्योंकि m इज इक्वल टू वन बाय v है, तो कापा डिवाइड बाय m, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका लैम्डा m, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ से हम लैम्डा एम को बोल सकते हैं कापा डिवाइड बाय एम, और हम बोलते भी हैं जो आपका लैम्डा एम क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा डिवाइड बाय मोलैरिटी, कापा डिवाइड बाय मोलैरिटी बोलते हो ना, तो ये आपका आ गया मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, यानी एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के जो आपकी कंडक्टिविटी आएगी उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसकी यूनिट देखना चाहे, कापा की यूनिट क्या थी, साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है, डिवाइड बाय मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो लिख देते हैं मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम को अगर हम ऊपर हमने सेंटीमीटर लिया तो हम सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये ऊपर जाएगा, ये क्या आ जाएगा, साइमन पर मोल, और ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ये यूनिट होगी ये आपकी क्या बताएगी, ये आपको बताएगी मोलर कंडक्टिविटी। तो क्वेश्चन में अगर आप इस टाइप की यूनिट देखो तो वहाँ से आपको समझ जाना है कि आपको मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, अगर आपको ये यूनिट दे रखी है तो आप समझ जाएंगे कोई यहाँ पे आपको कापा की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ऐसे ये होती है आपकी इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी, वो क्या होती है, लैम्डा ई क्यू, वो किसके इक्वल होती है, वो आपका कापा डिवाइड बाय नॉर्मैलिटी होती है बस,
यहाँ आपकी वन मोल की जो कंडक्टिव वन मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को हम मोलर की कंडक्टिविटी बोलते हैं, और यहाँ वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ इसका क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। कंसंट्रेशन के साथ इसका क्या इफेक्ट रहेगा, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ठीक है, अगर हम किस किस के बीच में लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट और रूट सी के बीच में अगर हम ग्राफ देखें, तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। ये किसके लिए, ये तो आपका आ रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। और ये आपका किसके लिए आ रहा है, ये आपका आ रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। अब ये इस टाइप से ही क्यों आया, ठीक है। अब ये इस टाइप से ही क्यों आया ये समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम एक्सप्लेन करेंगे किससे, अर्हेनियस थ्योरी से, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार यहाँ देखते हैं, यहाँ आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो रहा है, जैसे ही आप कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो, कंसंट्रेशन को कम करने का मतलब क्या, कंसंट्रेशन को कम आप कैसे करते हो, ठीक है। आपके पास एक कंसंट्रेशन है, ठीक है, टू मोलर है, आपको उसको एक मोलर बनाना है, क्या करोगे, डाइल्यूशन कर दोगे, ठीक है। यानी कि आप कंसंट्रेशन को कम कैसे कर रहे हो, डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही आप डाइल्यूशन को बढ़ाओगे ना, कंसंट्रेशन कम करोगे एंड डाइल्यूशन करोगे, तो आपकी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिविटी जो लैम्डा मोलर होगी, मोलर कंडक्टिविटी होगी, वो आपकी इंक्रीज करना शुरू कर देगी, ठीक है। अब वो इंक्रीज कर क्यों रही है, ठीक है, वो चीज़ हम देख रहे हैं अर्हेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन से, ठीक है। वो चीज़ हम क्या देख रहे हैं, इससे देख रहे हैं, ठीक है। हमने मान लिया जैसे हमारा कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था AX, ठीक है, वो डिसोसिएट होगा A पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव में, ठीक है। इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, इसकी आपकी कोई कंसंट्रेशन C होगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। टाइम t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये C माइनस C अल्फा होगा, ठीक है। अल्फा क्या आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, अल्फा इसकी क्या है, मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको पता होगी, मेरे को ये चीजें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। तो सी माइनस सी अल्फा होगी, ये सी अल्फा अगर कंज्यूम होगा तो ये आपका सी अल्फा फॉर्म होगा, ये भी आपका सी अल्फा फॉर्म होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट देखूँ, के किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स नेगेटिव डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए एक्स, है ना।
तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाई सी माइनस सी अल्फा, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ जाएगा सी अल्फा स्केयर अपॉन वन माइनस अल्फा। ठीक है, तो के की वैल्यू आ गई ये, यहाँ से मैं अगर मान लूँ अल्फा इज मच 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 ग्रेटर स्मॉलर देन वन, तो यहाँ से आपकी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्केयर, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट के बाय सी। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय रूट सी। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये आ गया, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय रूट सी। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा तो यहाँ से क्या होगा, कंसंट्रेशन को बढ़ाने से आपका अल्फा डिक्रीज होगा। ठीक है, अल्फा डिक्रीज होगा यानी कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बहुत कम डिसोसिएट होगा। ठीक है, यानी वो कम टूटेगा, वो आयंस में कम टूटेगा, यानी अल्फा कम होने का मतलब क्या है, आयंस आपके क्या होंगे, कम होंगे। आयंस जितने कम होंगे, अगर आयंस ही आपके कम होंगे तो यहाँ से आपकी कंडक्टेंस क्या होगी, ठीक है, वो आपके क्या होगी, वो भी आपकी कम होगी, है ना। तो यहाँ से अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो आपकी मोलर कंडक्टेंस होती है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है। वहीं अगर मैं देखूं, अगर मैं कंसंट्रेशन को कम कर रहा हूँ यानी कि अगर मैं डाइल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ से अल्फा इंक्रीज होगा, अल्फा इंक्रीज होगा यानी कि आपका इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा से ज़्यादा डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होगा तो यहाँ से आपके आयंस क्या होंगे, आयंस आपके इंक्रीज होंगे, और जितने ज़्यादा आयन होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी, तो यहाँ से आपका लैम्डा एम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हमने अर्हेनियस थ्योरी से इसको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अर्हेनियस थ्योरी से हमने बता दिया कि अगर हम डाइल्यूशन की तरफ जाएंगे तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये तो आपका हुआ थ्योरी वाला पार्ट। अब एक चीज समझो, मान लो कि मैं डाइल्यूशन कर रहा हूँ, पहले मेरा एक आयन ए पॉजिटिव यहाँ पे है और एक्स नेगेटिव यहाँ पे है, इन दोनों के क्या बीच में अट्रैक्शन हो रही है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहे हैं, तो ये वापस जाके ए एक्स बनाएगा। ठीक है, ए एक्स बनाएगा, अगर इनके कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये पास पास हो गए, उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी और ये आपकी रिएक्शन आपकी बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, वो ए एक्स बनाएगा और वहाँ से आपकी कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ आपके आयंस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं क्या कर दूँ, मैं डाइल्यूशन कर दूँ, तो मान लो ए पॉजिटिव आपका यहाँ पे है और एक्स नेगेटिव अब आपका यहाँ पे है। ठीक है, ए पॉजिटिव आपका यहाँ पे है, एक्स नेगेटिव आपका वहाँ पे है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है तो वापस जाने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं। ठीक है, यानी कि वापस जाने का मतलब बनता है, वापस तो जाएगी नहीं, लेकिन आपके फॉरवर्ड में तो जा ही रही है आपकी रिएक्शन, ए एक्स आपका ए पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव बना रहा है, यानी कि जितने वो दूर दूर जाते जाएंगे उनके बीच में कोई अट्रैक्शन या बैकवर्ड तो है नहीं, तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, आपके आयंस क्या होंगे, आयंस आपके इंक्रीज करना शुरू कर देंगे, वो पूरी तरह डिसोसिएट होना शुरू कर जाएगा। ठीक है, डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू कम क्यों आती है, अगर आपकी रिएक्शन बैकवर्ड जाना शुरू कर देना, अल्फा की वैल्यू आपकी कम क्यों आएगी, अगर आपकी अगर ये बैकवर्ड जाना शुरू कर दे, ठीक है, तभी तो उसकी वैल्यू इतनी कम होने जाती है। अगर ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, ठीक है, तो डिसोसिएशन और ज़्यादा होता जाए, क्योंकि ये दोनों, अगर आप एक लीजेंड्रे प्रिंसिपल से समझो, अगर आप इसको हटा दो, इसको कम कर दो, इसको कम कर दो तो सॉरी हाँ इसको कम कर दो तो आपका इक्विलिब्रियम क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम को। ठीक है, यानी इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना शुरू करेगा। तो वही चीज़ है, अगर हमने इनको बहुत दूर दूर कर दिया, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन रही नहीं, तो वापस तो जा ही नहीं सकती ना, एक हिसाब से हमने इनको बहुत दूर दूर कर दिया, हमने हटा दिया, ठीक है, तो आपकी रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, आपके आयंस इंक्रीज होंगे तो वहाँ से आपकी कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, दोनों तरीक़ों से, या इससे समझ लो या इससे समझ लो, बात एक ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया किसको, वीक इलेक्ट्रोलाइट को। अब हमारा बचता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बचता है ना अभी, तो चलो स्ट्रॉन्ग को देखते हैं। स्ट्रॉन्ग हमारा किससे एक्सप्लेन होगा, ठीक है, चलो देखते हैं हम किसको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
स्ट्रोंग के लिए हमारे पास है डी बाय हक्कल ओन सागर थ्योरी फोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी, यहां भी आपके क्या हो रही है, जैसे ही हम क्या कर रहे हैं डाइल्यूशन कर रहे हैं ना, तो यहां भी आपकी कंडक्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहां भी आपकी कंडक्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहां पे आपका देखो ये स्लोप है, ठीक है, ये आपका इंक्रीज कर रहा है, ये थोड़ा स्ट्रेट बन गया। ये आपका कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज कर रहा है इसको, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है तो मैं इसको आगे एक्सपेंड कर सकता हूं, और ये आपका ये यहां पे लैम्डा एम इनफाइनाइट भी दे रहा है। ठीक है, अब यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये इंक्रीज क्यों होता, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे डिबाय हक्कल ओन सागर थ्योरी से। अब डिबाय हक्कल ओन सागर थ्योरी क्या बोलती है, डिबाय हक्कल ओन सागर थ्योरी बोलती है कि जो आपका हर एक आयन है ना, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, वो किससे सराउंडेड है, वो उसके ओपोजिटली चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज से वो उसको सराउंडेड, जितने भी नेगेटिव चार्ज होते हैं वो उसको सभी डायरेक्शन से सराउंड करके रखते हैं। ठीक है, और वो आपका एक स्फेरिकल शेप होती है, सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, क्या बोलता है ये ठीक है, तो ये आपका कुछ इस टाइप से बोलता है कि जैसे ये आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को जितने भी आपके नेगेटिव चार्ज होंगे वो उसको क्या करेंगे, चारों तरफ से सराउंड करके रखेंगे। ठीक है, और ये किस में होंगे, ये आपके स्फेरिकल शेप में, अगर जब तक आपने कोई एक्सटर्नल फील्ड ना लगाई हो तब तक ये क्या होंगे, ये आपके स्फेरिकल शेप में होंगे और सिमेट्रिकल होंगे। ठीक है, तो इसमें आपका, हाँ इसमें आपके दो टाइप के इफेक्ट आते हैं। सबसे पहला ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहला कौन सा, एसिमेट्रिक इफेक्ट। एसिमेट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि ये आपका, जब तक आपने कोई फील्ड नहीं लगाई थी, कोई चार्ज नहीं लगाया था एक्सटर्नल, तो आपके ये कुछ इस टाइप में थे, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही आपने एक चार्ज सेटअप कर दिया, मान लो यहाँ पे आपका है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यानी कि आपने एक एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया, तब आपके क्या सिचुएशन रहेगी, तब आपका क्या होगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो ये नेगेटिव चार्ज है ये आपके पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ये आपका कुछ सिचुएशन इस टाइप से होगी। तो ये आपकी सिचुएशन कुछ इस टाइप से होगी, यानी कि ये आपका इस साइड जाने की कोशिश करेगा और जितने नेगेटिव चार्ज होंगे वो आपके इस साइड जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और लेकिन ये एक दूसरे को भी अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो इसकी स्पीड होगी ना, उसकी स्पीड मतलब जो इसकी उस साइड जाने का जो इसकी स्पीड होगी, वो स्पीड आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि अगर इनकी तरफ से कोई आपकी अट्रैक्शन वगैरह ना होती तब ये डायरेक्ट सीधा उसकी तरफ जाता, तब इसकी स्पीड कुछ ज़्यादा होती, लेकिन अब इसकी वजह से, इनकी वजह से क्या आ रही है, हिंड्रेंस आ रही है, इनकी वजह से हिंड्रेंस आ रही है, और यहाँ पे आपका सिमेट्रिकल था, यहाँ पे आपकी एसिमेट्री आ गई, आपकी सारी सिमेट्री डिस्ट्रॉय होगी। ठीक है, और ऊपर से इनकी तरफ से क्या, ऊपर से इनकी तरफ से क्या हो रही है, अट्रैक्शन भी आ रही है।
ठीक है, उसकी वजह से इसकी क्या होती है, इसकी स्पीड डिक्रीज होती है। और आपको पता है कंडक्टेंस आपकी क्या करती है, जो आपकी आयंस की स्पीड है उस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, अगर स्पीड कम होगी तो कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये था आपका एसिमेट्रिक इफेक्ट। अब इसमें क्या करो, अगर कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दो, कंसंट्रेशन को जैसे डिक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने से आपका क्या होगा, आपके आयंस क्या करेंगे, दूर दूर जाएंगे। ठीक है, आयंस जाएंगे आपके दूर दूर, आयंस जितना आपसे दूर दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन क्या होगी, अट्रैक्शन उतनी ही कम होगी। अब जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, स्पीड उतनी कम हो रही है, अट्रैक्शन अगर कम हो जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो स्पीड जितनी ज़्यादा होगी तो यहाँ से आपका जो लैम्डा एम होगा वो आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर हम कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो लैम्डा एम आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये था आपका पहला एसिमेट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब सेकंड चलते हैं। सेकंड आपका क्या था, सेकंड होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या बोलता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट आपको बोलता है कि जैसे ही आपके आयन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, आपके आयन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये मान लो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका इस साइड मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, ये नेगेटिव है और यहाँ पे आपका क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका इस साइड मूव कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ आए। अब ये मूव कर रहे हैं, ये किसके अंदर से मूव कर रहे हैं, वाटर है ना, हमने वाटर ले रखा है, तो वाटर के थ्रू ये अपने क्या बना रहा है, अपने पाथ बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे हर जगह वाटर है, एस 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 एस, जो आपके सॉल्वेंट के आयन होंगे। ठीक है, ये एस क्या है, आपके सॉल्वेंट के वाटर के आयन्स हो गए। अब ये क्या कर रहा है, ये आपका इस साइड मूव कर रहा है, इस साइड मूव, यानी कि सॉल्वेंट के अंदर से अपने क्या कर रहा है, अपनी पाथ बना रहा है। ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर से अपनी पाथ बना रहा है, या फिर ये समझ लो खुद इस साइड मूव कर रहा है और इनके जो सॉल्वेंट्स के आयन है उनको भी अपने साथ उस साइड लेके जा रहा है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, आप बहुत स्ट्रोंग हो, ठीक है, आप स्ट्रोंग हो तो आप उस साइड खुद तो जा रहे हो, भीड़ को भी अपने साथ लेके जा रहे हो। ठीक है, भीड़ को अपने साथ लेके जा रहे हो, और वहीं दूसरी साइड से एक और आदमी है, ठीक है, वो भी काफी स्ट्रोंग है, वो अपनी तरफ से वो भीड़ को इस साइड लेके जा रहा है, आप उस साइड लेके जा रहे हो, वो इस साइड लेके आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि, या फिर इसको ऐसे समझ लो, अगर आप एक नदी में तैर रहे हो, ठीक है, अगर आप करंट के साथ तैरोगे तो आपकी जो स्पीड होगी वो इंक्रीज होगी, लेकिन अगर आप करंट के अपोजिट तैरोगे, यानी पानी इस साइड जा रहा है, आप उस साइड जा रहे हो, ठीक है, तो आपकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेम वही बात है, अब अगर ये आपके इस साइड मूव कर रहे हैं तो ये सॉल्वेंट आयन को अपने साथ उस साइड लेके जा रहे हैं, तो जो ये नेगेटिव चार्ज होगा इसके लिए भी तो ये सॉल्वेंट आयन उस साइड जा रहे हैं, लेकिन इसको इस साइड लेके आने, ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी स्पीड डिक्रीज होगी। वहीं अगर ये आपका इस साइड आ रहा है तो ये सॉल्वेंट आयन को इस साइड लेके आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज को उस साइड लेके जाने हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, इसकी वजह से इसकी स्पीड डिक्रीज होगी। ठीक है, इन दोनों की वजह से एक दूसरे की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर हम यहाँ करें कंसंट्रेशन को कम, कंसंट्रेशन को कम, वही बात है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले जाएंगे, बहुत दूर दूर चले जाएंगे, तो जो इसका करंट इस अगर इस साइड होगा, इसका करंट उस साइड होगा, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले गए, बहुत दूर दूर चले गए, तो कंसंट्रेशन कम होने से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से क्या चलेंगे, फार अवे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर चले जाएंगे, इनका एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो स्पीड में क्या होगा, कोई डिक्रीज नहीं होगा, स्पीड में कोई डिक्रीज नहीं होगा, तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा एम की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो ये थे आपके क्या, दो इफेक्ट, ठीक है, एसिमेट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इसमें मैंने आपको बता दिया कि कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से लैम्डा एम इंक्रीज क्यों हो रही है,
ठीक है। अब लेकिन इन दोनों इफेक्ट की वजह से अगर ये इफेक्ट ज्यादा होंगे इफेक्ट ज्यादा कब होंगे, ये पास पास होगे, ठीक है। अगर ये इफेक्ट ज्यादा हो गए तो आपकी क्या होगी, लैम्डा एम डिक्रीज होगा ना, तो वहां से आपकी आती है डिबाय हकल उन सागर इक्वेशन। ठीक है, ये आप बताते हैं कि इनकी वजह से आपका कितना लैम्डा एम में डिक्रीज होगा। तो जो लैम्डा एम होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, लैम्डा एम नोट माइनस बी रूट सी। ठीक है, जो ये b होता है, ये b आपका किसके इक्वल होगा, b आपका होगा a लैम्डा m नोट प्लस b। ठीक है, और ये a क्या है, डिक्रीज ड्यू टू एसिमेट्रिक इफेक्ट, एसिमेट्रिक इफेक्ट से जो डिक्रीज आ रहा है वो आपको a बता रहा है। ठीक है, और b क्या बता रहा है, डिक्रीज ड्यू टू इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट की वजह से जो डिक्रीज आ रहा है वो आपको क्या बता रहा है, बी बता रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी डिबाय हकल ओनसागर इक्वेशन। ठीक है, चलो अब यहां पे इतना काम तो मेरे ख्याल से आप खुद कर लोगे कि जो लैम्डा एम की क्या होती है, यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो इसकी यूनिट भी ये होगी। ठीक है, और यहाँ पे बी रूट सी की यूनिट भी ये होगी, इसके साथ रूट सी मल्टीप्लाई करोगे ए लैम्डा एम नोट रूट सी, ए लैम्डा एम नोट रूट सी की यूनिट भी ये होगी, और बी रूट सी की यूनिट भी क्या होगी, ये होगी, वहाँ से ए और बी की यूनिट निकालना। ठीक है, इतना काम तो आप मेरे ख्याल से कर सकते हो, है ना। चलो, तो ये आ गया आपका डिबाय हकल ओनसागर इक्वेशन। उसके बाद थर्ड आपका कोहलार्स लॉ, जैसे मान लिया मैंने ये है आपका HCl, ये आपका डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। ठीक है, और ये आपका CH3COOH, ये आपका किस में होगा, ये आपका H पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव में। ठीक है, अब मैंने एक कंटेनर में ले लिया। ठीक है, अगर मैं एक कंटेनर में इनको ले लूं और मैंने वहां पे डाइल्यूशन कर दिया, तो वहां पे मेरा एक H पॉजिटिव आया। ठीक है, तो आप वो बता सकते हो कि वो H पॉजिटिव इससे आया है, इससे आया। अगर मैं वो ना करूं, ज्यादा डिसोसिएशन ना करूं, तो क्या होगा, ये H पॉजिटिव और CH3CO नेगेटिव आपके क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे, है ना। लेकिन अगर मैंने डाइल्यूशन कर दिया, डाइल्यूशन करके बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया, HCl भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, और बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया, तो आयंस क्या होंगे, बहुत दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, कोई किसी के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, तो वहां पे मैंने एक H पॉजिटिव को उठा लिया। अब बताओ कि वो H पॉजिटिव इससे आया या इससे आया, किसी से भी आ सकता है ना, H पॉजिटिव तो H पॉजिटिव है ना। लेकिन अगर वहां पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन ना हो, तब क्या होगी, इनके और इनके बीच में अट्रैक्शन होगी, है ना। तो यही चीज है कि अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बाद, तो जो आपका जो आयन होगा ना, वो आपका इंडिपेंडेंटली मूव करेगा, उसकी किसी के साथ कोई अट्रैक्शन और कोई रिपल्सन नहीं होगी, है ना। वो इंडिपेंडेंटली मूव करेगा, इंडिपेंडेंटली मूव करेगा, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि वो इससे आया या वो इससे आया, है ना। वो अपना कंडक्टेंस में उसने आपका ना जितना कंट्रीब्यूशन देना होगा वो उतना ही देगा, चाहे वो इससे आए या वो इससे आए, कहाँ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जब उसके ऊपर किसी और का कोई अट्रैक्शन रिपल्सन ना हो, है ना, जब उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा किसी का भी, तो वो अपना इंडिपेंडेंटली मूव करेगा। तो चाहे वो H पॉजिटिव HCl से आए, चाहे वो CH3COOH से आए, ठीक है, कोई सा भी H हो, वो क्या करेगा, अपना उसको जितना कंट्रीब्यूशन देना होगा कंडक्टेंस में, वो अपना उतना ही कंट्रीब्यूशन देगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बोलता है, ये आपका बोलता है कोहलार्स लॉ। ठीक है बात, तो यानी कि इससे हमें क्या फायदा है, इस चीज से, इससे हमें ये फायदा है, अगर हम देखें यहां पे, ये रहा आपका ग्राफ, ये आपका ग्राफ है, यहां पे अगर हम इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालना चाहें तो हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि ये आपका इस टाइप से ऊपर जा रहा है,
ठीक है, इसको कभी टच कर ही नहीं रहा। लेकिन किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम इसको आगे क्या करें, आगे बढ़ा दे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका लैम्डा एम इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो हम निकाल सकते हैं, वीक के लिए नहीं निकाल सकते। तो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग के लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट आ जाए तो हम उसके आयंस के टर्म में वीक के लिए भी निकाल सकते हैं, किससे, कोलार्स लॉ की मदद से। ठीक है, एक तो उसका फायदा ये है। दूसरी एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया कि ये जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये आपके तीन ग्राफ आ रहे हैं, अब इनमें से एक आपका NaCl के लिए, एक आपका K2SO4 के लिए और एक आपका CuSO4 लगा लो, CuSO4 के लिए। अब कौन सा NaCl के लिए, कौन सा K2SO4 के लिए और कौन सा CuSO4 के लिए, यह हमें पता करना, कैसे पता करेंगे। अब यहाँ देखो, इसके लिए आपकी लैम्डा एम क्या है, ज़्यादा है, इसके लिए लैम्डा एम है कम। ठीक है, लैम्डा एम आपकी डिपेंड कर रही है आपकी मूवमेंट पे, स्ट्रोंग के लिए कि वो कितनी ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है। और वहाँ हमने एसिमेट्रिक इफेक्ट में देखा था अट्रैक्शन, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी लैम्डा एम उतनी कम होगी। यानी इतना तो हमें समझ में आ गया कि जो ये कम है ना जिसकी लैम्डा एम, इसके लिए आपकी अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसके लिए आपकी अट्रैक्शन कम होगी। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ देखो, इनमें इसके चार्ज की रेशो क्या है, 1:1, इसकी चार्ज की रेशो क्या है, 1:2, इसकी चार्ज की रेशो क्या है, 2:2। अगर जितना ज़्यादा चार्ज है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी ना, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, और जितना कम चार्ज होगा उतनी कम अट्रैक्शन होगी। तो यानी कि अट्रैक्शन कम यानी कि चार्ज कम, तो ये आपका NaCl के हो गया। यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा यानी चार्ज ज़्यादा होगा, तो ये आपका किसके लिए, CuSO4 के लिए हो गया, और ये बीच वाला आपका किसके लिए हो गया, K2SO4 के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलो हाँ, ये अब देखो, अब अगर हमें लैम्डा इनफाइनाइट किसके लिए निकालनी है, CH3COOH के लिए हमें लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालना है, तो हम कैसे निकाल लेंगे, हमें पता है CH3COH एच पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव में क्या करता है, डिसोसिएट होता है। तो अगर हमें इनका पता लग जाए तो हम उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हमें पता है HCl आपका एच पॉजिटिव Cl नेगेटिव में आता है, एक आपका जो CH3COONa ये भी आपका डिसोसिएट किस में होता है, ये भी आपका कंप्लीटली डिसोसिएट होता है CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव में। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, मैं यहां से अगर मैं CH3COH बनाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं HCl और CH3COH को क्या करूंगा, ऐड CH3COONa को ऐड करूंगा। अब इसमें आपका एक्स्ट्रा क्या आ गया, NaCl आ गया, NaCl आ गया तो माइनस कर दूंगा NaCl। ठीक है, तो ये आपका क्या बना देगा, ये आपका बना देगा CH3COOH। कैसे बनाएगा, देखो HCl से हमें क्या मिल रहा है, एच पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को हम माइनस कर रहे हैं, तो ये आपका इससे गया, ये इससे गया, तो ये आपका क्या आ गया, एच पॉजिटिव CH3COO नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने ये क्या ऐड और माइनस किए, ये मैंने लैम्डा एम इनफाइनाइट वैल्यू ऐड और माइनस की। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट इनको ऐड नहीं कर दिया, ये मैंने केवल आपको तरीका बताया डायरेक्ट करने का कि आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। अगर आपको बोल दिया कि आपको HCl की लैम्डा एम इनफाइनाइट दे रखी है, CH3COONa की लैम्डा इनफाइनाइट दे रखी है और NaCl की लैम्डा एम इनफाइनाइट दे रखी है, तो आप उसको ऐसे कर सकते हो। तो इसकी लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालने के लिए मेरे को लैम्डा एम इनफाइनाइट HCl की और लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3COONa की, और उसमें से मैं माइनस करना पड़ेगा लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ NaCl, तो मैं क्या निकाल दूंगा, वहाँ से मेरी लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3COOH आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने जो स्ट्रॉन्ग की वैल्यू थी उनसे मैंने जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम इनफाइनाइट है वो मैंने निकाल दी। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ थी। सेकंड क्या थी, सेकंड जो आपका वीक के लिए जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो आपका किसके इक्वल होता है, लैम्डा एम बाय लैम्डा एम इनफाइनाइट।
तो अल्फा की वैल्यू आपको ये होती है, और के की वैल्यू अगर निकालना चाहो वो आती है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, तो हम के भी निकाल सकते हैं किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें इसमें आपके लिए बहुत है, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन आए आपके आए हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके जैम में है, ये क्वेश्चन आपका किस में आया, जैम में आया, ठीक है। क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, हमें कंसंट्रेशन के साथ उसका बताना है क्या इफेक्ट रहेगा फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बताना है, इन एन एक्वा सोल्यूशन द करेक्ट स्टेटमेंट इज द एसिमेट्रिक इफेक्ट कंट्रीब्यूट टू द डिक्रीज लैम्डा एम वेयर एज इलेक्ट्रोफोरेटिक। अब आ गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने दो के टर्म में बताया था, एसिमेट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। हमारी डिबाय कलोनसागर इक्वेशन क्या आई थी, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नोट माइनस बी, बी की वैल्यू रखते हैं ए लैम्डा एम नोट, लैम्डा एम इनफाइनाइट बोल दो इसको या नोट बोल दो, प्लस बी और यहाँ पे रूट सी, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन थी। अब ए कौन सा था, ए था आपका एसिमेट्रिक इफेक्ट की वजह से जो आपका डिक्रीज आ रहा है, और बी क्या था आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट के जो आपका डिक्रीज आ रहा है। तो यहाँ से अगर हमारी ए और बी की वैल्यू क्या करेंगे, अगर हम बढ़ाएंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, तो ये नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी और लैम्डा एम की वैल्यू को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, बोथ एसिमेट्रिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज इन लैम्डा एम, ठीक है। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डायरेक्ट आपका डिबाय कलोनसागर इक्वेशन से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। सेकेंड ये क्वेश्चन आया हुआ आपका गेट में 2018, गेट 2018, ठीक है। वो आपका शायद 2019 में था, ठीक है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर वीक एसिड, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले इसमें आप लिख लिया करो, तो हमें दे रखी है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.01 मोलर, ठीक है, एट 298 केल्विन मेजर्ड इन अ सेल ऑफ सेल कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे आपको सेल कॉन्स्टेंट क्या होता है, L बाय A, तो उसकी वैल्यू दे रखी है 0.4 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, इज 64.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब यहाँ पे ये है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो ये आपकी क्या वैल्यू है, ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है, इसने इसने लिखा भी हुआ, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम की वैल्यू आपकी आ जाएगी 64.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, हाँ, जो कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है ना उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। लैम्डा एम इनफाइनाइट को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एच पॉजिटिव आर एंड एक्स नेगेटिव। तो ये लैम्डा एफ इनफाइनाइट किसके लिए, एच पॉजिटिव के लिए आपकी दे रखी है 350 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। और लैम्डा एम इनफाइनाइट सीएल नेगेटिव के लिए, सॉरी एक्स नेगेटिव के लिए आपको क्या दे रखी है, वो दे रखी है 410 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। आपको क्या बताना, आपको पी के वैल्यू बतानी है, पी के पीके क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ के ए। तो सबसे पहले आपको के ए पता होना चाहिए, ठीक है। के ए एच एक्स के लिए आपको पता है के ए किसके इक्वल होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, के ए आपका इसी के इक्वल होता है ना। तो अल्फा की वैल्यू, अब अल्फा की वैल्यू नहीं हमारे पास, लेकिन हमें पता है अल्फा हमारा किसके इक्वल होता है, अल्फा हमारा लैम्डा एम बाय लैम्डा एम इनफाइनाइट के इक्वल होता है। तो लैम्डा एम तो है हमारे पास, लैम्डा एम इनफाइनाइट हमें निकालना है। लैम्डा एम इनफाइनाइट किसी भी वीक के लिए हम निकाल सकते हैं उसके आयंस के टर्म में, वो किसके इक्वल होता है, एच एक्स के किसके इक्वल होंगे, एच एक्स है ना, एच एक्स के होंगे ये, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ एक्स नेगेटिव, ठीक है। इनके वैल्यू आपको दे रखी है, तो ये आ जाएगा 760, 760, तो ये आ जाएगा 760, इन दोनों का ऐड कर दिया ना बस, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। ये आपका कुछ ये आ गया। अब यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू
64.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, डिवाइड बाय 760 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 0. ये मैं निकाल ही देता हूँ, 64.4 इज डिवाइड बाय 760, तो ये आ जाएगी 0.085। तो ये आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई। अब वहां से हम के ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, के हमारा क्या आएगा, सी की तरह 0.01 इंटू अल्फा स्केयर 0.085 होल स्केयर डिवाइड बाय 1 माइनस 0.085, ठीक है। तो यहाँ से मैं के ए की वैल्यू निकाल लूँगा, उसके बाद इसकी वैल्यू मैं पी के रखूँगा माइनस लॉग ऑफ के ए, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका 4.11 आ जाएगा इसको कैलकुलेट करके, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4.11, ठीक है। तो ये सारा आपका जो अभी मैंने आपको कराया उससे आपका सारा का सारा पोर्शन ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपके यहीं से इस टाइप से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, एक बार देख लो। चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाँ नेक्स्ट टॉपिक हमारा लैटिमर डायग्राम। ये आपका छोटा टॉपिक है और इससे भी आपके जैम और गेट दोनों में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब लैटिमर डायग्राम को करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसका, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल स्पीशीज, ठीक है, या फिर जिसमें एक स्पीशीज आपकी ऑक्सीडेशन में भी जा रही है और रिडक्शन में भी हो रहा है, यानी एक स्पीशीज का आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसके साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों अगर साथ साथ हो रहे हो तब हम उसको बोलते हैं कि वो आपकी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब लैटिमर डायग्राम से हमें कैसे पता चलेगा कि किस स्पीशीज का आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, उसके लिए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपका एक एग्जांपल लिया, ठीक है, एक एग्जांपल लिया। अब अगर मैं यहाँ पे MN5 पॉजिटिव लूँ, हाँ एक चीज़ आपको और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, अब ये तो आपको पता ही होगा ना कि जो डेल्टा जी होगा वो आपका नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए आपका डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और अभी हम आगे करेंगे भी, डेल्टा जी आपका किसके इक्वल होता है, -NFe, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव होना चाहिए, आगे नेगेटिव साइन आ गया तो यहाँ से आपका ई ऑफ सेल क्या आ गया भाई, ई ऑफ सेल आपका पॉजिटिव होना चाहिए। जब आपका ई ऑफ सेल पॉजिटिव होता है तब आपकी रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो अब अगर हम यहाँ पे MN5 पॉजिटिव ले लें, अगर MN5 पॉजिटिव की यहाँ पे MN4 पॉजिटिव में जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रही है इसकी, यह इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। और MN5 पॉजिटिव से MN6 पॉजिटिव में यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। अब चेक करते हैं इसकी ये आपकी क्या ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे रहा है, ये हम चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे इसकी रिडक्शन लिखें तो क्या आएगी, जो इसकी रिडक्शन के लिए जो इसकी रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी, MN5 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इट विल गिव MN4 पॉजिटिव, ठीक है। और इसके लिए ई नोट ऑफ रिडक्शन कितनी दे रखी है, इसके लिए ई नोट ऑफ रिडक्शन वैल्यू दे रखी है आपके 2.9 वोल्ट, ये आपके 2.9 वोल्ट, ठीक है। और इसकी अगर ऑक्सीडेशन लिखे तो क्या आएगी, MN5 पॉजिटिव विल गिव MN6 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यही आएगी ना। और इसके लिए ये आपकी क्या है, रिडक्शन है, और ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। और जो ये वैल्यू दे रखी है किसकी दे रखी है, रिडक्शन की दे रखी है, तो ई नोट ऑफ रिडक्शन क्या है इसका, ई नोट ऑफ रिडक्शन है इसका 1.28 वोल्ट
1.28 वोल्ट। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना भाई कि ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन, ठीक है। इसकी अगर इसका ई नोट ऑफ ऑक्सीडेशन लिखना हो मैंने तो वो क्या आएगा, -1.28, ठीक है। तो ये ई नोट ऑफ, क्योंकि ये MN6 पॉजिटिव टू 5 पॉजिटिव की वैल्यू दे रखी है, लेकिन मैंने रिएक्शन 5 पॉजिटिव टू 6 पॉजिटिव की लिखी है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये मैंने ई नोट ऑफ रिडक्शन ही लिख दिया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मेरे को रिडक्शन की ही जरूरत है, ठीक है। तो ये आगे, तो एनोड पे आपकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे आपकी क्या होती है, रिडक्शन होती है, ठीक है। तो मैंने एनोड और कैथोड की दोनों की वैल्यू लिख दी। अब मैं यहां से ई ऑफ सेल अगर निकालना चाहूं तो मेरा ई ऑफ सेल क्या आएगा, ई नोट ऑफ जो रिडक्शन वैल्यू है, ये रिडक्शन ऑफ कैथोड, जो आपकी रिडक्शन वैल्यू कैथोड पे है रिएक्शन हो रही है, और ई नोट ऑफ रिडक्शन वैल्यू ऑफ एनोड, जो आपकी एनोड पे हो रही है रिएक्शन, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल, यही आपका ई नोट ई ऑफ सेल होता है, ठीक है। ई ऑफ सेल निकालते हैं, यदि ये आपका 2.9 वोल्ट माइनस ये आ जाएगा 1.28 वोल्ट, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1.62 वोल्ट, ठीक है। तो ये आ गया 1.62 वोल्ट, और ये वैल्यू क्या है आपकी, पॉजिटिव है। अब ई ऑफ सेल अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो जाहिर सी बात है डेल्टा जी ऑफ सेल क्या आएगा आपका, डेल्टा जी ऑफ सेल आपका नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव आएगा, यानी ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो ये आपका बता रहा है कि जो आपकी MN5 पॉजिटिव आपकी जो स्पीसीज है वो आपकी एक टाइम में ऑक्सीडेशन भी कर रही है और रिडक्शन भी कर रही है, यानी कि ये आपकी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या कर रही है, शो कर रही है, ठीक है। तो ये हमें लाइटमैन डायग्राम से पता चलता है। अब ये तो हमने क्या करके देखा, कैलकुलेट करके देखा, इसकी आपकी क्या है एक शॉर्ट ट्रिक भी है। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे कि हमने ई ऑफ सेल निकालते टाइम क्या किया, जो आपका राइट साइड में इसकी वैल्यू थी उसमें से जो लेफ्ट साइड में वैल्यू थी वो क्या कर दी, माइनस कर दी। राइट साइड वाले वैल्यू में से लेफ्ट साइड वाले वैल्यू क्या कर दी, माइनस कर दी। तो और वो वैल्यू आपकी आ गई पॉजिटिव, ठीक है। तो आपकी रिएक्शन हो रही है स्पॉन्टेनियस, यानी कि अगर जो आपकी राइट साइड की वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो जाए आपकी लेफ्ट साइड की वैल्यू से, तो जो वो आपकी स्पीसीज होगी वो आपकी स्पीसी क्या करेगी, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या करेगी, शो करेगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ से शॉर्ट ट्रिक आ जाएगी। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे MN5 पॉजिटिव है, देखें जो आपके राइट साइड की वैल्यू है लेफ्ट साइड से ज़्यादा है, राइट साइड की वैल्यू क्या है, देखो राइट साइड की वैल्यू है लेफ्ट साइड से ज़्यादा, यानी कि ये आपकी क्या करेगी, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड से कम है तो ये नहीं करेगा, यहाँ पर देखें तो ये राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड से ज़्यादा है तो आपका MN3 पॉजिटिव भी करेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या, सिंपल सी चीज थी, चलो ठीक है, लाइटमैन डायग्राम। अब इस पे के बेस पे जो आपके क्वेश्चन आए हैं वो देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग, ये आपका जैम में है क्वेश्चन, ठीक है। इन द फॉलोइंग लाइटमैन डायग्राम द स्पीसीज दैट अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, हमें बतानी है इनमें से कौन सी स्पीसीज आपकी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कराएगी। तो हमें पता है कि राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, जिसकी वो होगी वो आपकी डिसप्रोपोर्शनेशन शो करेगी। तो सबसे पहली है MnO42 नेगेटिव, MnO42 नेगेटिव आपकी ये रही, इसमें राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड से क्या है, छोटी है, 0.27 छोटा है 0.56 से, तो ये तो आपका नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद MnO43 नेगेटिव, MnO43 नेगेटिव की राइट साइड की वैल्यू क्या है, 0.93 इज ग्रेटर देन 0.27, यानी कि ये आपका क्या करेगा, शो करेगा, यानी बी ऑप्शन तो आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद MN2O3, ये रहा MN2O3, अब इसमें राइट साइड -0.25 इज स्मॉलर देन 0.15, तो ये भी आपका शो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद MnOH होल ट्वाइस, ये आपकी -1.56 स्मॉलर देन -0.25, तो ये भी आपका क्या करेगा, शो नहीं करेगा। तो अब यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ गया बी, ठीक है। देखो कितना छोटा क्वेश्चन हो गया, एक आप कैलकुलेट करके देखो और एक आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। हाँ, ये आपका डायरेक्ट तरीका है, लेकिन आपको निकालना भी आना चाहिए, ठीक है। चलो उसके बाद
द लैटिमन डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ एक्स, हमेशा एक्स की वैल्यू निकालनी, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ जाने के डायरेक्टली ऐड नहीं करना, ठीक है, क्यों क्यों नहीं करना, क्योंकि जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी होती है ना, वो आपकी एडिटिव इन नेचर होती है। तो यहाँ से अगर फर्स्ट रिएक्शन के लिए मैंने मान लिया इसकी थी डेल्टा जी वन, ठीक है, और इसके लिए मैंने डेल्टा जी वन, और इसके लिए मैंने मान ली ये थी डेल्टा जी टू, और इस पूरी के लिए क्या थी डेल्टा जी थ्री। तो जो डेल्टा जी थ्री होगा वो डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपकी जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो आपकी एडिटिव इन नेचर होती है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज देखो, यहाँ से जो डेल्टा जी है मैंने आपको अभी बताया था माइनस एन एफ ई होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँ तो ये क्या आएगा, एफ तो आपका फैराडे कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो यहाँ से माइनस एन थ्री एफ ई थ्री इज इक्वल टू माइनस एन वन एफ ई वन माइनस एन टू एफ ई टू। अब सारा माइनस आके माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक एफ होके एफ भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा एन थ्री ई थ्री इज इक्वल टू एन वन ई वन प्लस एन टू ई टू आया, ठीक है। तो हम यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो आपका इलेक्ट्रो पोटेंशियल है, सॉरी जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका पोटेंशियल है, तो उसको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो आपकी एडिटिव इन नेचर होती है। तो यहाँ से ई थ्री की वैल्यू क्या आएगी, ई थ्री की वैल्यू आपकी आएगी एन वन ई वन प्लस एन टू ई टू डिवाइड बाई एन थ्री, ठीक है। अब यहाँ से हम एन वन और एन टू और एन थ्री की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे हमें पता ओ टू ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जीरो, ठीक है, यहाँ पे H2O2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी माइनस वन, यहाँ पे H2O ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई माइनस टू। अब जीरो से माइनस वन जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और माइनस वन से माइनस टू जाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन का एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो यानी कि एन वन भी आपका वन आ गया और एन टू भी आपका क्या आ गया वन आ गया। लेकिन जीरो से माइनस टू जाने के लिए आपका दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो एन थ्री की वैल्यू टू आ गई। अब सिंपली इनकी वैल्यूज पुट कर दो, सिंपली वैल्यू पुट करेंगे तो E3 क्या आएगा, कर देता हूँ, E3 इज इक्वल टू N1 कितना था 1 इंटू E1 0.70 प्लस N2 कितना 1 इंटू 1.76 डिवाइड बाय 2, तो ये आपका कितना किसके इक्वल आया 642 2.46 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1.23 वोल्ट, ठीक है। तो E3 की वैल्यू क्या आएगी 1.23 वोल्ट, ठीक है भाई बात। चलो ये था आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, इसको देख लो एक बार, लैटिमर डायग्राम, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सम इम्पोर्टेंट है, जो ये टॉपिक है आपके ज़्यादातर मैं बोल लूँगा 70-80% क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को थोड़ा सा बस करना तो क्या ही है, फॉर्मूला ही है, ठीक है, फॉर्मूले याद करना है, उसको ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जैसे मैंने आपको कहा नेटिक में अरहेनियस इक्वेशन कराई थी, वो क्या था, रेट कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी का एक रिलेशन था। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एक रिलेशन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशन बिटवीन ई ऑफ सेल, सेल पोटेंशियल, टेम्परेचर, ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन, इनके बीच में ये एक क्या है, ये एक रिलेशन है, ठीक है। तो जैसे हमारा ई नोट ऑफ सेल होता है, ई नोट ऑफ सेल क्या होता है, जो भी आपके स्टैंडर्ड कंडीशन होती है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो आपका सेल का पोटेंशियल होता है वो ई नोट ऑफ सेल होता है, लेकिन जो ई ऑफ सेल होता है ना, ई ऑफ सेल क्या, जो भी आपकी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन होती है उन कंडीशन पे
आपका जो ई ऑफ सेल होता है, जो आपका पोटेंशियल आता है वो होता है आपका ई ऑफ सेल, ठीक है। तो नर्सरी इक्वेशन क्या बोलती है, नर्सरी इक्वेशन बोलती है कि ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस आर टी बाय एन एफ लॉग ऑफ माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन। अब यहाँ पे जैसे मेरी इक्वेशन क्या है, जैसे एम एन पॉजिटिव प्लस एन इट विल गिव एम प्लस एन एन पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो आपके प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एन एन पॉजिटिव डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एम एन पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये है आपकी नर्सरी इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि अगर हम अलग अलग कैसे यहाँ पे हम रिएक्शन कोस्टेंट भी लिख सकते हैं एल एन क्यू। रिएक्शन कोस्टेंट क्या होता है, वो आपका इक्विलिब्रियम कोस्टेंट की तरह होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कोस्टेंट पे आपकी जो कंसंट्रेशन होती है वो इक्विलिब्रियम पे होती है। रिएक्शन कोस्टेंट में अगर मैं यहाँ पे एल एन क्यू लिख दूँ, ठीक है, इसमें रिएक्शन कोएफिशिएंट में क्या होती है, जो आपकी कंसंट्रेशन होती है वो किसी भी टाइम टी पे होती है, ना कि इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस होता है। तो ये होता है आपके नर्सरी इक्वेशन, ठीक है। नर्सरी इक्वेशन देखो क्या बता रही है, अगर हम क्यों कंसंट्रेशन अलग कर दें तो क्यों की वैल्यू अलग होगी, तो ई ऑफ सेल में डिफरेंस आएगा, ठीक है, ई ऑफ सेल की वैल्यू चेंज होगी। या फिर अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करने से ये सारी वैल्यू में क्या आएगा, चेंज आएगा, तो यहाँ से फिर ई ऑफ सेल में चेंज आएगा। यानी कि टेम्परेचर और कंसंट्रेशन को चेंज करने से आपके सेल के पोटेंशियल में क्या क्या कैसे कैसे डिफरेंस आते हैं, ये आपको क्या बताता है, ये आपको नर्सरी इक्वेशन बताती, ठीक है, ठीक है भाई। चलो हाँ, इसकी अगर टेम्परेचर जनरली आपको रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही देख रखते हैं, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आती है, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन। एन क्या है आपका, एन है आपका जितने आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ठीक है, किसी रिएक्शन में आपका जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे जैसे n को हो रहा है, n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे ये n है, ठीक है, डिवाइड बाय n log ऑफ, अब यहाँ पे मैंने ln की वैल्यू रख दी 2.303 log, ठीक है, इसकी वैल्यू रख के तब आया ये, ठीक है, इनटू में रिएक्शन कोएफिशिएंट q, तब आ जाएगा ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, नेक्स्ट इक्वेशन कब, एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको 25 डिग्री सेल्सियस दे रखो, तब आपके आर टी मतलब इन सब की वैल्यू रख के तभी आएगा 0.059, ठीक है, इतनी समझ में आई बात। अब अगर इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे जो ई ऑफ सेल होता है ना, ई ऑफ सेल आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ई ऑफ सेल आपका क्या होता है, जीरो हो जाता है। ये जीरो हो जाएगा तो ये इस साइड आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591, मैं 25 डिग्री सेल्सियस लेकर चल रहा हूँ, डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर मैं इसको टेम्परेचर के टर्म में लिखूं वैसे, तो ये आ जाएगा ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू आर टी बाय एन एफ इंटू 2.303 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आर टी बाय एन एफ। एक चीज देखना भाई, एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, यही होगा ना, ठीक है। इसकी वैल्यू बस सिंपली टेम्परेचर टर्म लिखे। अब यहाँ से इसको एन एफ को अगर मैं इस साइड लेके आऊँ, तो ये क्या आ जाएगा, एन एफ ई नोट ऑफ सेल
इज इक्वल टू 2.303। अगर मैं 2.303 ना लिखूँ तो मैं लिखूँगा यहाँ पे आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये किसके इक्वल था, हमें हमने देखा था डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये माइनस ऑफ डेल्टा जी आ जाएगा, माइनस मैं उस साइड लेकर चल जाऊँगा, तो ये डेल्टा जी नोट किसके इक्वल आएगा, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो ये जो आपका रिलेशन है, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इससे आपके क्या आते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो एक हमने ये देख लिया, डेल्टा जी के दो फॉर्मूले देख लिए ना हमने, डेल्टा जी इजक्वल टू माइनस एन एफ ई और एक डेल्टा जी इजक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ठीक है। एक हमारी नेक्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ई नोट की वैल्यू होगी। और अब हमारे पास डेल्टा जी आ गया, डेल्टा जी आ गया तो डेल्टा एस भी निकाल लेते हैं। डेल्टा एस किसके इक्वल होगा, ठीक है, हमने मैक्सवेल स्क्वायर पढ़ा है ना मैक्सवेल स्क्वायर में क्या होता है, मैक्सवेल स्क्वायर से अगर हम निकाल लें, ठीक है, तो मैं अगर जी लिखूं, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, यही होगा ना। तो यहाँ से मैं अगर डेल जी बाय डेल टी कर दूँ एट कॉन्स्टेंट पी, कॉन्स्टेंट पी क्या, तो ये टर्म क्या होगी, ये होगी जीरो, कॉन्स्टेंट पी करने पे ये डेल टी से है तो ये आएगा माइनस एस के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से मैं डेल्टा एस को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एस आपकी क्या होगी, माइनस ऑफ डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर टी ऑफ डेल्टा जी, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट पी लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैंने इसको ये लिख दिया, अब तो बस कुछ है ही नहीं है, डेल्टा जी की वैल्यू माइनस एन एफ ही रखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन एफ आपका बाहर आएगा, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ डेल ई ऑफ सेल बाय डेल टी, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट पी। और इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर कोफिशेंट, टेम्परेचर कोफिशेंट, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई, डेल्टा एस की वैल्यू भी आ गई, डेल्टा जी निकाल लिया, डेल्टा एस निकाल लिया, डेल्टा एच में तो अब कुछ बचा ही नहीं है, क्यों बचा है क्या कुछ, देखो डेल्टा जी हमें पता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, बिल्कुल सही बात है। तो डेल्टा एच निकाल लो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब डेल्टा जी की वैल्यू माइनस एन एफ ई, ठीक है, प्लस टी डेल्टा एस की वैल्यू एन एफ डेल ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी डेल्टा एच की वैल्यू आ गई। इस पर भी आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो मैंने आपको चार पाँच छः फॉर्मूले जितने भी कराए हैं, ठीक है, इन फॉर्मूलों पे आपके लगभग लगभग क्वेश्चन आपके इन फॉर्मूलों पे आते हैं, ठीक है। आपकी नर्सरी क्वेश्चन होगी, ठीक है, डेल्टा एच हो गया, डेल्टा जी हो गया, डेल्टा एस हो गया, ठीक है। इन पे आपके लगभग लगभग सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं के ऊपर आते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं हम क्वेश्चन, देखो जैसे एक पहला क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका किस में है, ये आपका एग्जाम में है, तो इस पे मैं थोड़े आपको दो के बजाय पांच क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं इसी से ही आए हुए हैं। ये आपका एग्जाम में आया, द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर अ रिएक्शन इज एट 2500 केल्विन इज दिस, ठीक है। तो इसने क्या दे रखा है, डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा जी इज इक्वल टू 118000 जूल पर मोल, ठीक है, क्योंकि जूल में चेंज कर लिया ना, किलो जूल में दिया हुआ, ठीक है, ये हमारी डेल्टा जी दे दी है। टेम्परेचर कितना दे दिया, टेम्परेचर दे दिया 2500 केल्विन, ठीक है, इतना पता चल गया हमें। अब हमें क्या बताना है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बताना है, डेल्टा जी और के इक्विलिब्रियम के बीच में क्या रिलेशन है, डेल्टा जी और के इक्विलिब्रियम के बीच में हमें एक ही रिलेशन पढ़ा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है। आर की वैल्यू हमें पता होती है, टेम्परेचर हमें दे दिया, डेल्टा जी हमें दे दिया, के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। गेट में सारे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसके, गेट और जैम, ठीक है। देखो तो एल एन के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल होगा, वो होगा माइनस डेल्टा जी बाय आर टी, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये
ये है आपका -118000 जूल पर मोल, ठीक है, डिवाइड बाय 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन इंटू 2500 केल्विन, केल्विन से केल्विन में, मोल से मोल, जूल से जूल, ठीक है, सारा कट गया। तो ये और यहाँ से आपका के इक्विलिब्रियम अगर निकाल लेंगे, ई रेस टू पावर कर देंगे इसको, तो ये आएगा आपका 3.42 इंटू 10^-3। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। डायरेक्ट करना था, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है भाई। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी आपका किसमें जैम में ही आया, ठीक है। चलो फॉर द रिएक्शन CuSO4 प्लस Zn गिव ZnSO4 प्लस Cu, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज, हमें क्या निकालनी है, हमें डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है, कोई नहीं निकाल देते हैं, क्या क्या दे रखा है सबसे पहले देखते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2 पॉजिटिव Cu एंड Zn2 पॉजिटिव Zn, ठीक है। सबसे पहले हमें दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल से हम क्या निकाल सकते हैं, ई ऑफ सेल निकाल सकते हैं। ई ऑफ सेल किसके इक्वल आएगा, जिसकी आपकी रिडक्शन हो रही है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल उसका जिसकी आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है। रिडक्शन यहाँ पे किसकी हो रही है, यहाँ ये जीरो से ये प्लस टू जा रहा है, यानी इसकी तो आपकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये आपका प्लस टू से, ठीक है, ये आपका जा रहा है जीरो, तो यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ये आपकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, यानी ये कॉपर रिडक्शन हो रही है। तो ये आ जाएगा ई ऑफ सेल, पहले कॉपर का 0.34 वोल्ट, माइनस में जिंक का क्या दे रखा है, माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट, माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका किसके इक्वल आ गया, ये आपका आ गया 7 और 4 10 1.2 वोल्ट, यही आएगा ना, नहीं 1.1 आएगा, ये आएगा 1.1 वोल्ट, ठीक है। मेरी ई ऑफ सेल की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज़ देखेंगे, जीरो से टू गया तो दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है, दो से जीरो गया दो इलेक्ट्रॉन का हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एन की वैल्यू क्या आ गई, एन की वैल्यू आ गई हमारी 2, और इसने एफ की वैल्यू दे रखी है, एफ की वैल्यू 96485 कूलम पर मोल, ठीक है, सारी वैल्यू दी हुई है। हमारा डेल्टा जी और इनके बीच में क्या रिलेशन है, इन चारों टर्म के बीच में डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE, तो वैल्यू रख दो, एन की वैल्यू कितनी है, -2 इंटू 96485 इंटू 1.1, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, ये आपका आएगा, हाँ इसको ये आपका जूल में आएगा, तो उसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा, किस में पूछा गया, हमसे किलो जूल पर मोल में पूछा गया, तो ये आ जाएगा -212 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये आपका आ गया डायरेक्ट आंसर, हाँ भाई कुछ समझ में। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये थर्ड भी आपका जैम में ही आया हुआ, क्या हुआ, सारे जैम के ही हो रहे हैं, अगले गेट के भाई, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका लास्ट है जैम का, द EMF ऑफ स्टैंडर्ड कैडमियम सेल, हाँ ये क्वेश्चन था आपका थोड़ा, यहाँ पे आपको कैडमियम सेल के बारे में हल्का फुल्का पता होना चाहिए, ठीक है, इज 1.02 वोल्ट एट 300 केल्विन। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ई ऑफ सेल की वैल्यू क्या दे दी, 1.02 वोल्ट, टेम्परेचर कितना दे दिया, ये दे दिया 300 केल्विन, ठीक है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल इज, मैंने आपको बताया था टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, डेल ई बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, वो किसके इक्वल है, वो है -5.0 × 10^-5 वोल्ट पर केल्विन, ठीक है। वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा एच बतानी हमें भाई क्या आएगी, तो डेल्टा एच का हमने अभी फॉर्मूला देखा था, डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच होता है हमारा डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस, यही होता है ना, और डेल्टा जी क्या था, -NFE प्लस टी इंटू डेल्टा एस क्या था, NF डेल ई बाई डेल टी,
एट कॉन्स्टेंट पी। अब हमारे पास सारी वैल्यू है लेकिन हमारे पास एन की वैल्यू नहीं है, और हमें पता होना चाहिए जो कैडमियम सेल होता है इसमें आपका दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। बस यहाँ ये हल्की सी ये ट्रिक थी इस क्वेश्चन में, बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। तो यहाँ से आपकी एन की वैल्यू क्या आएगी, एन की वैल्यू इसके लिए आपकी टू आएगी, ठीक है। एन की वैल्यू क्या आएगी, टू आएगी। अब वैल्यूज पुट कर दो तो ये आ जाएगा माइनस टू इंटू एफ की वैल्यू। अब इसमें देने रखे तो हम क्या करेंगे, 96500 इंटू ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू 1.02 वोल्ट, तो ये आ जाएगी 1.02, ठीक है। प्लस टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 300 केल्विन इंटू एन की वैल्यू है 2 इंटू 96500 इंटू डेल ई बाई डेल टी कितना है, ये है आपका -5 × 10⁻⁵, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू माइनस में दोनों ऐड हो जाएगी, डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी -199.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है। बस यहाँ पे ये थोड़ा सा एन की वैल्यू का पंगा था, बाकी ये आपका क्वेश्चन क्या था, सिंपल था, डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर था, ठीक है। चलो भाई, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है भाई आपका गेट का, गेट 2018, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका गेट का। अब ये क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल का टेम्परेचर डेरिवेटिव क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल और उसका टेम्परेचर डेरिवेटिव, ठीक है। कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या है, ये क्या था, ये टेम्परेचर कोफिशेंट था ना, किसके इक्वल आएगा ये हमें पता है, भाई जो हमारा डेल्टा एस होता है ना वो हमारा होता है एन एफ डेल ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो इसकी वैल्यू तो निकालनी है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आ जाएगा डेल्टा एस बाई एन एफ, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। चलो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, कंसीडर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गेट में आया आपका, वेयर एम इज अ मेटल एट 298 केल्विन, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर दिस एंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है इसमें, टेम्परेचर कितना, 298 केल्विन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं और टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, डेल ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1.5 × 10⁻⁴ वोल्ट पर केल्विन, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, तो ई नोट ऑफ सेल निकाल सकते हैं हम यहाँ से, ई नोट ऑफ सेल क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका -0.12 वोल्ट -0.36 वोल्ट, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें से हम किस में से क्या माइनस करें, तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि डेल ई बाई डेल टी आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ई ऑफ सेल आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये देख, ये आएगा आपका 0.24 वोल्ट, ठीक है, ई ऑफ सेल आ गया आपका। अब इसने क्या पूछा, डेल्टा एच पूछा, डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच हमारा होता है डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस, है ना, यही होता है ना। डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई प्लस टी, ये हो जाएगा एन एफ डेल ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ठीक है, यही होते हैं ना। अब इन सब की हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, वैल्यूज क्या क्या आएगी, अब एन बचा है यहाँ पे, एन कैसे आएगा, यहाँ ये क्या है, ये आपका जीरो और यहाँ प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ प्लस टू और यहाँ जीरो, तो यानी एन की वैल्यू क्या आ गई, टू आ गई। तो ये आ जाएगा -2 × एफ की वैल्यू दे रखी है, गई नहीं दे रखी, तो हम लेके चलेंगे 96500 इंटू ई की वैल्यू क्या थी, 0.24 वोल्ट, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस टेम्परेचर कितना, 298 केल्विन, ठीक है, इंटू 2 × 96500 × 1.5 × 10⁻⁴, ठीक है। तो ये आ गया सिंपल, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके ये अपना कुछ शायद -0.38 के आसपास आएगा, ठीक है, -0.38 किलो जूल पर मोल, ठीक है।
तो ये आपका क्या था, सिंपल से क्वेश्चन थे, डायरेक्ट सारे के सारे क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सारी वैल्यूज़ आपको दे के रखते हैं, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेटर आपके पास होता ही है, सारी वैल्यूज पुट करो, इक्वल टू का बटन दबाओ, आपका आंसर आएगा, आंसर फिल करो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हमारा क्या है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। हाँ, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट से पहले हमें पता होना चाहिए किसका, आयनिक स्ट्रेंथ का, आयनिक स्ट्रेंथ। अब आयनिक स्ट्रेंथ क्या होती है, आयनिक स्ट्रेंथ आपकी कुछ नहीं, आयनिक स्ट्रेंथ आपकी चार्ज इंटेंसिटी को बताती है कि एक सॉल्यूशन की कितनी चार्ज इंटेंसिटी है, क्योंकि एक सॉल्यूशन में जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट होता है आयंस में, तो उन आयंस की जो आपकी चार्ज इंटेंसिटी है वो आपका कौन बताता है, वो आपको बताता है आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, इसका फॉर्मूला होता है आपका I इज इक्वल टू हाफ ऑफ समीशन सी आई जेड आई स्क्वेयर, ठीक है। ये आपका आयनिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। इसमें सी आई क्या है, सी आई है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, जो आपके आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन, और जेड आई क्या है, जेड आई है चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयंस, ठीक है। जो आपके आयन है उसके ऊपर आपका चार्ज क्या है, यहाँ से आप आयनिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। इस पर आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस पर भी आ जाते हैं, ठीक है। एक तो जो आपके फॉर्मूले होंगे जो हमने पिछला वाला पार्ट किया था, पिछला टॉपिक किया था, और एक आपका ये वाला टॉपिक, इन दोनों से ही आपका 70-80% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो अब इसको मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि जैसे एक ले लेते हैं हम CaCl2, मान लो मैंने ले लिया 0.2 मोलर CaCl2, इसकी आयनिक स्ट्रेंथ पूछ ली कि कितनी होगी। अब CaCl2 डिसोसिएट होके एक तो Ca2 पॉजिटिव में डिसोसिएट होगा प्लस 2Cl नेगेटिव में, है ना। तो इनकी कंसंट्रेशन अगर देखें, ये 0.2 मोलर है तो ये भी कितना आएगा, ये भी 0.2 मोलर आएगा, ठीक है। और ये 2 times उसका, तो ये आ जाएगा आपका 0.4, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा 0.4। अब यहाँ से अगर मैं आयनिक स्ट्रेंथ निकालना चाहूँ, आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब यहाँ पे सबसे पहले Ca2 पॉजिटिव का देखते हैं, कंसंट्रेशन कितना है 0.2 इंटू चार्ज कितना है 2 होल स्केयर प्लस 2 होल स्केयर, ठीक है। प्लस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ क्या है समीशन, समीशन की वजह से क्या आएगा प्लस। अब यहाँ आ जाएगी कंसंट्रेशन कितनी है 0.4 इंटू, अब चार्ज कितना है -1, ये आ जाएगा -1 होल स्केयर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा आपका हाफ ऑफ, ये आ जाएगा 4 into 2, ये आ जाएगा 0.8 प्लस 0.4, तो ये आपका कितने किसके इक्वल आ गया, ये आपका 0.6 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये आपका किसके इक्वल आ गया, 0.6 के इक्वल आ गया, आयनिक स्ट्रेंथ आपकी आ गई 0.6, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि मान लो अगर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी चार्ज की रेशो है 1:1, जैसे एग्जांपल हो गया NaCl की चार्ज की रेशो क्या है 1:1, तो जो आयनिक स्ट्रेंथ होगी वो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के इक्वल होगी, ठीक है। यानी मैंने अगर बोल दिया 0.2 मोलर NaCl, तो उसकी आयनिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी 0.2 मोलर, ठीक है। उसके बाद अगर चार्ज की रेशो हुई 1:2 या फिर 2:1, एक ही बात है, ठीक है, 1:2 ले लो या 2:1 ले लो, ठीक है। तो जैसे कि CaCl2 आ गया हमारा, तो जो आयनिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी 3 times ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि आपको मैंने 0.2 मोलर दिया था CaCl2, और यहाँ इसका अगर 3 times करें तो 0.6 आ रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद अगर आपकी हो 1:3, जैसे कि AlCl3, ठीक है, तो आयनिक स्ट्रेंथ होगी वो 6 times हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के,
जैसे मैंने 0.1 मोलर बोला तो आयनिक स्ट्रेंथ हो जाएगी 0.6, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रेशो हो 2:3, ठीक है, या फिर 3:2 है इसका, चल देख लेना भाई कोई भी एग्जांपल, आगे क्वेश्चन में भी है वहाँ देख लेना, ठीक है। तो आयनिक स्ट्रेंथ हो जाएगी 15 टाइम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपकी एक सॉल्व ट्रिक थी, इसको आप याद कर सकते हो, आपको बार बार आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये डायरेक्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्टिविटी। अब एक्टिविटी क्या चीज है, ठीक है, एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी आपकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन है किसी भी रियल सॉल्यूशन की, ठीक है। एक्टिविटी इज इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रियल सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपका आइडियल सॉल्यूशन है तो उसकी कंसंट्रेशन हम मोलैरिटी नॉर्मैलिटी इनमें देखते हैं, है? मान लिया वो मैंने एम मोलर है, ठीक है। लेकिन अगर हम रियल सॉल्यूशन की अगर कंसंट्रेशन देखें तो उसको हम एक्टिविटी के टर्म में देखते हैं, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम मोलैरिटी के टर्म में देखते हैं और रियल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम एक्टिविटी के टर्म में देखते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को एक्टिविटी लिखनी हो किसी भी आयस सॉल्यूशन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्या, कंसंट्रेशन ऑफ दैट रियल सॉल्यूशन डिवाइड बाय सी आई नोट। अब ये सी आई नोट क्या है, सी आई नोट है आपका 1 mole/L, ठीक है। यानी कि ये कंसंट्रेशन की यूनिट भी क्या होगी, 1 mole/L, सी आई की भी क्या है, mole/L, तो mole/L से mole/L कैंसिल हुआ, तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, बस कि जो आपकी एक्टिविटी है वो आपकी यूनिट लेस होती है, ठीक है। नहीं तो इसको लिखने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू तो 1 ही है ना, बस आपको इसका ये बताने का मतलब है कि जो आपकी एक्टिविटी होती है वो आपकी क्या होती है, यूनिट लेस होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ए आई, या अगर मैं इक्वल टू का साइन लगाऊँ तो यहाँ से आ जाएगा गामा टाइम्स, इसको सी लिख दो, गामा टाइम्स सी, ठीक है। ए इज इक्वल टू गामा टाइम्स सी, सी क्या है, सी आपकी कंसंट्रेशन है, ठीक है। गामा क्या है, गामा है आपका एक्टिविटी कोफिशियंट, एक्टिविटी कोफिशियंट, ठीक है। ए है आपकी एक्टिविटी, अब ये एक्टिविटी कोफिशियंट ये बताता क्या है, एक्टिविटी कोफिशियंट की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकाल लें तो एक इसके इक्वल आएगी, यहाँ से अगर एक्टिविटी कोफिशियंट की वैल्यू निकाल लें ये आ जाएगा ए बाई सी आया ना। अब ये क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है सी आपकी किसकी थी, आइडियल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन थी, ए आपकी कंसंट्रेशन थी रियल सॉल्यूशन की, ठीक है। तो जो गामा की वैल्यू आएगी वो आपको बताएगी डेविएशन ऑफ रियल सॉल्यूशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल बिहेवियर लिख लो या आइडियल सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है, कि जो आइडियल सॉल्यूशन है उसकी कितनी डेविएशन है वो आपको क्या कौन देता है, वो आपको गामा देता है, ठीक है। तो गामा आपको डेविएशन बताता है कि जो आपका रियल सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन से कितने ज़्यादा डेविएटेड है, ठीक है, ये आपको गामा देता है। इतनी बात समझ में आई। अब अगर मैं निकाल लूँ ए प्लस माइनस, ठीक है, ए प्लस माइनस क्या है, ये है आपका मीन एक्टिविटी, ठीक है। ये मीन एक्टिविटी क्या होती है, मीन एक्टिविटी ऑफ, अगर मैं इसको मान लूँ कि मेरे पास सॉल्यूशन है ए एक्स बी वाई, तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, ये होगा आपका एक्स टाइम ए वाई प्लस प्लस वाई टाइम्स बी एक्स ने माइनस, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। तो अगर मैं इसकी क्या निकालना चाहूँ, मीन एक्टिविटी, अगर मैं इस सॉल्यूशन की मीन एक्टिविटी निकालना चाहूँ तो वो क्या होगी, ए प्लस माइनस रेस टू पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस रेस टू द पावर एक्स और ए माइनस रेस टू द पावर वाई, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन की क्या आएगी, मीन एक्टिविटी,
ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक्टिविटी कोफिशेंट निकालना चाहूँ, गामा प्लस माइनस रेस टू पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू गामा प्लस रेस टू पावर एक्स एंड गामा माइनस रेस टू पावर वाई, ठीक है। ये आपकी क्या है, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशेंट, ठीक है। ये आपका है मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशेंट। गामा प्लस क्या है, जो एक्टिविटी कोफिशेंट आपका कैटायन का है, और गामा माइनस क्या है, जो एक्टिविटी कोफिशेंट आपका एनायन का है, और जो एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई आपके कोफिशेंट है, ठीक है। एक्स और वाई आपके कोफिशेंट है कैटायन और एनायन के, ठीक है। तो ये हो गया। इसके साथ साथ जो अगर आपको जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की अगर आपको एक्टिविटी निकालनी है, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की अगर आपको एक्टिविटी निकालनी है तो वो किसके इक्वल होगी, किसकी टर्म में, मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट के टर्म में। तो ये आ जाएगा एक्स रेस टू द पावर एक्स वाई रेस टू द पावर वाई इंटू गामा प्लस माइनस एम, एम क्या है, उसकी मोडालिटी है, ठीक है, सॉल्यूशन की, रेस टू द पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये आपकी सॉल्यूशन की एक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स और वाई क्या है, मैंने आपको बताया था, ये आपके कोफिशेंट है कैटायन और एनायन के, ठीक है। गामा प्लस माइनस क्या है, गामा प्लस माइनस आपका मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशेंट है। एम क्या है, एम आपकी कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और बाकी यही था, ठीक है। उसके बाद ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चल रहा है भाई, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है अपने, ठीक है। और एक आता है इसमें अब लास्ट, डिबाय हक्कल लिमिटिंग लॉ, डिबाय हक्कल लिमिटिंग इक्वेशन आपकी क्या है, इस पर आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ये आपका बोलता है कि अगर हम किसका मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशेंट का लॉग ले लें, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशेंट का अगर हम लॉग ले लें तो वो किसके लॉग ले लें तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस ए जेड ए जेड बी इंटू रूट आई, ठीक है। तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशेंट अगर निकालना है तो आप इसी इक्वेशन से निकाल लोगे। जेड ए जेड बी क्या है, जेड ए लगा लो चार जोन का टाइम, जेड भी क्या है चार्ज ऑन एनायन, और ये मोड लगा हुआ है, ठीक है। मोड का मतलब क्या है कि अगर कोई नेगेटिव वाला टर्म है ना अंदर, अगर मोड लगा दो तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि NaCl है, NaCl में एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो माइनस वन आना चाहिए था, लेकिन मैं मोड ले लूँ तो एक इसके इक्वल वन के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये मोड लगा हुआ है। रूट आई, आई आई क्या है आपकी आयनिक स्ट्रेंथ, आई है आपकी आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके साथ साथ ए क्या है, डिबाय हक्कल कोएफिशिएंट, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0.509 मोलर इनवर्स, ठीक है। ये आपकी ए की वैल्यू होती है, ठीक है। बात अब इसमें, हाँ इसमें शायद आपको इतना ही करने की जरूरत है, एक आपकी शायद काइनेटिक्स में मैंने आपको नहीं कराई वो, एक आपकी रेट कांस्टेंट के साथ ही ऐसी एक इक्वेशन होती है, लॉग के बाय के नॉट इज इक्वल टू टू ए जेड बी रूट आई, ठीक है। के आपका क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, ए आपका डिबाय हक्कल कोएफिशिएंट होता है, जेड ए जेड बी आपके चार्ज होते हैं, आई आपकी आयनिक स्ट्रेंथ होती है। एक चीज़ आप याद रखेंगे यहाँ पे, ये आपके जो ब्रैकेट है ये आपकी मोड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी क्या है, ब्रैकेट है, ये आपको काइनेटिक्स में आता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आपको इतना ही करने की ज़रूरत है, इतना अगर आप कर लोगे तो आपके लिए वो सफिशेंट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं एक बार, इसको अगर देखना चाहो तो, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका किस में आया हुआ, ये आपका जैम में आया हुआ,
ये मैं आपको जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ रीसेंट करा रहा हूँ 2017-18 के बाद बाद जो आए हुए ये आपके रीसेंटली क्वेश्चन है, ठीक है। द मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशेंट, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशेंट आपसे पूछ लिया, यानी गामा प्लस माइनस की वैल्यू आपसे पूछ ली। फोर 0.01 मोलर, यानी कि आपको कंसंट्रेशन दे रखी है। एक्वा सोल्यूशन ऑफ Ca3PO4 ट्वाइस, अब जो Ca3PO4 ट्वाइस होगा वो आपको किस टाइप से टूटेगा, ये आपका आएगा 3 times Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 times PO4 3 नेगेटिव, ठीक है, इसी टाइप से टूटेगा ना। अब ये यहाँ पे कितना है 0.01 मोलर, तो ये कितना होगा 0.03 मोलर, ठीक है, ये कितना होगा 0.02 मोलर। अब इसकी आयनिक स्ट्रेंथ अगर आप निकाल, आयनिक स्ट्रेंथ क्यों निकाल लूँगा मैं, क्योंकि मेरे को क्या पता जो हमारा लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस होता है वो आपका किसके इक्वल होता है, माइनस ए मोड जेड ए जेड बी और रूट आई। अब मेरे को आई के जेड ए जेड बी मेरे को पता है, चार्ज प्लस टू और माइनस थ्री है, ठीक है, ए की वैल्यू मेरे को पता है लेकिन मेरे को आई नहीं पता, तो मेरे को लेकिन कंसंट्रेशन पता है तो मेरे को आई निकालना है, तो मैं आई निकाल लूँगा। आई क्या है, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो कि आप क्या है, ये देखो ये 2:3 में आ गया चार्ज, आपका किस रेशो में आ गया 2:3 में आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 15 times कंसंट्रेशन, 15 times कंसंट्रेशन कितनी है 0.01, तो ये आ जाएगा 0.15, ठीक है, डायरेक्ट आ गया ना, निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अगर आप निकालना चाहो तो सेम फॉर्मूला वो उसको रखो और निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 0.509 इंटू, अब मोड जेड ए जेड भी क्या है प्लस टू एंड माइनस थ्री, प्लस टू एंड माइनस थ्री इंटू रूट 0.15, ठीक है, तो एक इसके इक्वल आ जाएगा माइनस 0.509 इंटू 6 इंटू रूट 0.15, ठीक है। अब यहाँ से गामा प्लस माइनस के लिए इसको दोनों साइड क्या हो जाएगा 10^2 हो जाएगा, वो 10^2 जाके इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आपकी निकाली थी मैंने, ये आ जाएगा 0.066, तो ये आ जाएगा गामा प्लस माइनस की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.066, ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं, क्या केवल आपको फॉर्मूले में रखनी थी, ठीक है, चलो भाई। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है गेट में, रीसेंट क्वेश्चन है, हाँ ये है आपका गेट 2022, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ईएम ऑफ द फॉलोइंग सेल, ये आपको सेल दिया हुआ है एट 25°C एंड 1 bar इज 0.36 volt, तो हमें जो भी चीज़ दी है हम पहले लिख लेंगे गिवन में, तो हमें EMF दे रखी है यानी कि E दे रखी है, E की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.36 volt, ठीक है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशेंट, यानी कि गामा प्लस माइनस की वैल्यू निकालनी है हमें कि वो क्या होगी, ठीक है, टेम्परेचर भी लिख लेते हैं, टेम्परेचर दिया होगा 25°C यानी कि 298 केल्विन, ठीक है। उसके बाद गिवन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, तो मैं ई नोट ऑफ सेल निकाल सकता हूँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से, वो क्या है Cu2 पॉजिटिव टू Cu का दे रखा है और Hg2 पॉजिटिव टू Hg का दे रखा है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं, वैसे तो हमें पता ही है लेकिन वैसे भी हमें रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी तो हम लिख लेते हैं। यहाँ से इसकी क्या होती है, जो आपका इस साइड होता है उसकी होती है आपकी रिडक्शन, और जो आपका सेल में इस साइड होता है इसकी होती है आपकी ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये आपको दोनों की दोनों रिएक्शन भी दे रखी है, तो इनको अगर हम लिखेंगे तो इसको ऑक्सीडेशन के टर्म में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा Cu, इट विल गिव Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कटेंगे, ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा Hg2SO4, और ये यहाँ पे सॉलिड दे रखा है, तो ये है आपका सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव
Cu2+Cu. इट विल गिव सी यू भी आपका क्या दे रखा है सी यू दे रखा है सिंपल ठीक है ये आपको क्या देगा ये आपको देगा Cu2+ प्लस यहाँ से ये दे रखा है 2HG प्लस 2HG प्लस उसके बाद ये भी आपको लिक्विड में दे रखा है ठीक है और ये दे रखा है SO4-19 यहाँ से है ये SO4-2 negative ठीक है तो ये आपको रिएक्शन दे रखी है ई नोट ऑफ सेल क्या आएगा ई नोट ऑफ सेल आएगा आपका सबसे पहले जो आपका एच जी की वैल्यू है 0.62 वोल्ट माइनस और जो आपकी सी यू की वैल्यू है आपकी 0.34 वोल्ट तो ये आपका कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 0.28 वोल्ट यही आएगा ना ये आ गया ई नोट ऑफ सेल आपका आ गया 0.28 वोल्ट अब मेरे को गामा प्लस माइनस की वैल्यू निकालनी है मैं यहाँ से कैसे निकाल लूँगा ठीक है मेरे को ई की वैल्यू ई नोट की वैल्यू दे रखी है और साथ में यहाँ पे आर टी बाई एफ की वैल्यू भी दे रखी है ये दे रखी है आर टी बाई एफ की वैल्यू तो 0.0256 वोल्ट अब यहाँ से एक चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ मेरे पास ई ई नोट आर टी बाई एफ इन सब के लिए कौन सी इक्वेशन है नष्ट इक्वेशन है तो मैं नष्ट इक्वेशन आपको यहाँ पे लगा के देखता हूँ तो मेरे पास है ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ और यहाँ पे वैसे हम कंसंट्रेशन लिखते हैं लेकिन असल में यहाँ पे एक्टिविटी होती है ठीक है मैं अभी क्यों लिख देता हूँ ठीक है एक्टिविटी होती है वैसे यहाँ पे और अगर एक्टिविटी के टर्म में भी लिखें तो यहाँ से इक्वेशन से क्या आ रहा है एक तो यहाँ पे आपका Cu2+ आ रहा है एक SO4-2 negative आ रहा है ठीक है यहाँ पे ये तो आपके सॉलिड में है तो ये तो आएंगे नहीं तो ये आ रहा है एक्टिविटी ऑफ ए एक्टिविटी ऑफ Cu2+ इंटू एक्टिविटी ऑफ SO4-2 negative ठीक है तो ये आ रहा है आपका यहाँ पे ठीक चलो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ये ई ई की वैल्यू लिखता हूँ 0.36 वोल्ट इज इक्वल टू ये 0.28 वोल्ट माइनस 2.303 आर टी वाई एफ की वैल्यू क्या 0.0256 इंटू 0.0256 ठीक है डिवाइड बाय एन था एन की वैल्यू क्या है दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है ना आपको रिएक्शन में ही दे रखे हैं टू इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी 2 अब यहाँ आ गया लॉग अब एक्टिविटी देखो एक्टिविटी क्या थी एक्टिविटी इज इक्वल टू गामा टाइम ऑफ सी थी ना गामा टाइम ऑफ सी तो यहाँ से क्या आ जाएगी गामा पॉजिटिव और सी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ की कंसंट्रेशन दे रखी है 1 mole/kg तो ये दे रखी है 1 × 1 ठीक है और यहाँ पे क्या आ जाएगा गामा नेगेटिव ठीक है SO4-2 negative के लिए और CuSO4 डिसोसिएट हो गया SO4-2 negative के लिए दे रहा तो इसकी वैल्यू भी कितनी दे रखी है 1 ठीक है ये आ जाएगा 1 अब मेरे को पता था जो गामा प्लस माइनस रेस्ट पार एक्स प्लस वाई होता है वो आपका किसके कुल होता है गामा प्लस रेस्ट पार एक्स और गामा माइनस रेस्ट पार वाई अब यहाँ पे गामा प्लस गामा माइनस है रेस्ट पार 1 1 है तो ये साइड आए क्या आ जाएगी इसको मैं लिख सकता हूँ गामा प्लस माइनस रेस्ट पार 1 + 1 यानी गामा प्लस माइनस रेस्ट पार 2 तो ये मेरा किसके कुल आ जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा इसको इस साइड आगे अगर माइनस करें तो ये आ जाएगा 0.08 वोल्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 इंटू 0.256 डिवाइड बाय 2 यहाँ से लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस रेज टू द पावर 2 अब ये कैसे आया ये आया आपका इस इक्वेशन से ठीक है गामा प्लस रेज टू द पावर एक्स की वैल्यू क्या है 1 गामा माइनस रेस्ट टू द पावर वाई की वैल्यू क्या है 1 इस साइड आएगा गामा प्लस माइनस रेस्ट टू पावर 1 + 1 यानी गामा प्लस माइनस रेस्ट टू पावर 2 अब यहां से हम गामा प्लस माइनस की वैल्यू निकाल सकते हैं सिंपली इसको सॉल्व करो और गामा प्लस माइनस की वैल्यू क्या आएगी 0.044 ठीक है तो इसको
मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशेंट को आपको कुछ इस टाइप से नर्स्ट इक्वेशन के साथ जोड़ के भी ये आपसे पूछ सकता है। तो ये आपका रीसेंट क्वेश्चन था जो आपका ये गेट में आया था, ठीक है, देख लो इसे एक बार, देख लिया भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा फैराडेज लो। हाँ भाई, जो फैराडेज लो है ना, इस पर भी आपको मतलब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन देखने को मिलता है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, इसमें आपको कई बार यूनिट का ध्यान देना होता है, ठीक है। चलो अब फैराडेज लो, फैराडे के आपके दो लो हैं, एक आपका फर्स्ट लो है। फर्स्ट लो क्या बोलता है, फैराडेज फर्स्ट लो आपको बोलता है कि अगर जितना भी जो आपका मतलब आपका कोई इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रही है, ठीक है, तो उसमें जितना अमाउंट आपका इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, ठीक है, जितना अमाउंट आपका डिपॉजिट होगा या फिर जितना अमाउंट आपका लिबरेट होगा, जो वो वेट होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना चार्ज, कितने क्वांटिटी ऑफ चार्ज आपने उसके सॉल्यूशन से पास किया, ठीक है। कैसे बोल सकते हैं कि मान लो W अमाउंट वेट उसका डिपॉजिट हुआ या फिर लिबरेट हुआ, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन होगी तो लिबरेट होगा, रिडक्शन होगी तो डिपॉजिट होगा, वो आपका जो W अमाउंट ऑफ वेट है जो कि आपका ग्राम में होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना अमाउंट आपने चार्ज उसमें से सॉल्यूशन से पास किया है, यानी कि वो आपका क्यू, ठीक है, क्यू चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब क्यू आपका किस में होता है, क्यू आपका होता है कोलम में, ठीक है, और क्यू किसके इक्वल होता है, क्यू आपका इक्वल होता है आईटी, ठीक है, क्यू आपका आईटी का इक्वल होता है, आई क्या है आपका करंट, करंट किस में होता है आपका एम्पियर में, ठीक है, टी क्या है टाइम, टाइम आपका यहाँ होगा सेकंड में, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी, ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाऊंगा तो ये आएगा W इज इक्वल टू जेड आई टी, जेड आई टी, ठीक है। तो ये क्या है, जेड यहाँ पे क्या है, जेड यहाँ पे है, हाँ जेड है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जेड को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब जेड असल में है क्या, जेड हमें बता क्या रहा है कि अगर मैं आई टी को वन पुट कर दूं तो W आपका जेड के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना, या फिर मैं क्यू, आई टी को वन पुट करने का मतलब है क्या है, क्यू की वैल्यू वन कूलम है, ठीक है ना, क्यू की वैल्यू अगर मैं वन कूलम रख दूं तो ये W इज इक्वल टू जेड के इक्वल आ जाएगा। तो ये जेड क्या बता रहा है, जेड आपका कुछ नहीं बता रहा है, जेड आपको बता रहा है कि अगर आप किसी सॉल्यूशन से वन कूलम चार्ज को पास करो और उसके बाद जितना अमाउंट आपका डिपॉजिट होगा ना, वो आपको जेड दे रहा है। एक कूलम चार्ज को अगर पास करने हैं सॉल्यूशन से तो जितना अमाउंट आपका डिपॉजिट होगा वो आपको जेड की वैल्यू दे रही है, ठीक है। अब ये कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी। मैं मान लेता हूँ, मैंने इक्वेशन ले ली, मेरा कोई मेटल था एन पॉजिटिव स्टेट में था, ये जाहिर सी बात है एन इलेक्ट्रॉन लेगा एम स्टेट में आने के लिए, ठीक है, क्योंकि जीरो में आने के लिए इसकी रिडक्शन के लिए आपको एन इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, है ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं n इलेक्ट्रॉन मेरे हों तो वो कितने, वन मोल ऑफ मेटल क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है, वन मोल के लिए वन मोल ये, और इसको मैं बोल सकता हूँ वन मोल ऑफ m बोल दो, या फिर जितना इसका मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास ऑफ m, ठीक है, यानी कि इतने ग्राम, इतने ग्राम एम को ये क्या करता है, एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके जितने इसका मोलिकुलर मास है इतने ग्राम ऑफ मेटल को क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। अब हाँ, ये कूलम क्या होता है, जो एक मोल, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो आपका कितना होता है, 96500 कूलम, ठीक है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 96500 कूलम, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन इसी से सॉल्व होने वाले हैं, इससे आपके डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इनका चार्ज कितना होगा, तो एन इंटू 96500 कूलम,
ठीक है, इससे आपका कितना हो रहा है मोलिकुलर मास ऑफ एम। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, मेरे को कितना निकालना है, जो डब्ल्यू जेड क्या था, ये एक कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज जब हम पास करें, तो यहां से अगर मैं एक कूलम चार्ज पास करना, एक कूलम में अगर मैं देखना चाहूं कि मेरा कितना डिपॉजिट होगा, कितने ग्राम आपका एम डिपॉजिट होगा, तो जितना इसका मोलिकुलर मास है, ठीक है, डिवाइड बाय एन इंटू 96500, ठीक है, इतने ग्राम आपका क्या हो जाएगा डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो यही तो क्या था, यही तो आपकी जेड की वैल्यू थी, जेड की वैल्यू यही थी ना कि एक कूलम चार्ज को अगर हम पास कर रहे तो कितना अमाउंट आपका डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो यहां से और मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एन, मैं इसको इक्विवेलेंट वेट भी बोल सकता हूं, तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96500, ये आपका जेड के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से आपकी क्या आ गई, जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक तो ये हुआ, अब सेकंड लॉ भी देख लेते हैं। सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ आपका बोलता है कि अगर हम क्या करें, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ करंट, सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए दो सॉल्यूशन से पास करें। ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो सॉल्यूशन ले लिए, एक ए एक बी, इसमें से भी आई करंट पास किया, इसमें से भी आई करंट ही पास किया, इसमें से भी वो टी टाइम के लिए पास किया, इसमें से भी वो टी टाइम के लिए पास किया, तो जो इनका वेट होगा ना डिपॉजिट, तो वेट ऑफ ए और वेट ऑफ बी, जो इनका वेट डिपॉजिट होगा उसकी जो रेशो होगी वो किसके इक्वल होगी, जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। ठीक है, तो ये रेशो आपकी इसके इक्वल होगी, तो ये आपका था सेकंड लॉ। ठीक, तो ये सिंपल सी दो चीज़ें थी जो आपको पता होनी जरूरी थी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ भाई गेट में, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ गेट में, ये क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एजी आयन इन एजी एनओ थ्री आर रिड्यूस टू एजी मेटल। ठीक है, एजी आयन आपके रिड्यूस हुए एजी मेटल में, तो उन्हें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन लेके ही वो एजी में चेंज होगा कैथोड पे, एंड सी यू इज ऑक्सीडाइज टू सी यू टू पॉजिटिव, और सी यू आपका सी यू टू पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको दो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लिबरेट करेगा। ठीक है, एट एनोड अ करंट ऑफ 0.7 एम्पियर इज पास्ट, तो आई की वैल्यू इसने दे दी 0.7 एम्पियर थ्रू द सेल फॉर 10 मिनट, टाइम की वैल्यू दे दी इसने 10 मिनट, हमें किस में चाहिए, यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे हमें सेकंड में चाहिए, तो इन टू आ जाएगा ये 60, तो ये आ जाएगा 600 सेकंड के लिए हमने इसको क्या किया, पास कर दिया। अब क्या, द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट की, कितना तो आपका सिल्वर डिपॉजिट होगा, ठीक है, और कितना आपका कॉपर डिसॉल्व होगा, ये बताना है आपको। ठीक, चलो यहाँ पे अगर मैं चार्ज निकाल लूँ, क्यों कितना आएगा मेरा 600 × 7, तो ये आ जाएगा 720 कूलम। ठीक है, तो 720 कूलम चार्ज मैंने पास किया। ठीक है, तो 720 कूलम चार्ज मैंने पास करके मेरे को पता लगाना है कि कितना अमाउंट मैं यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा हूँ एजी का, या फिर कितना मेरा कॉपर डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलो निकालते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या है कि जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो कितना डिपॉजिट कर रहा है एजी, 1 मोल। ठीक है, 1 मोल एजी, और 1 मोल एजी का वेट क्या है, एटॉमिक वेट कितना है, 107.9। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये 107.9 ग्राम डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 1 मोल एजी है ना, अगर 1 मोल एजी क्या, मोल क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, अगर गिवन मास और मोलिकुलर मास सेम हो जाए तभी तो वो 1 मोल के इक्वल आएगा, तो यानी कि जितना इसका एटॉमिक वेट है उतना ही इसका मास होगा ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 मोल आपका इतना डिपॉजिट कर रहा है। 1 मोल में चार्ज कितना होता है, 1 मोल का चार्ज होता है 96500 कूलम।
ये आपका 107.9 ग्राम क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, ये आपका इतना डिपॉजिट कर रहा है। तो आपका यहाँ से एक कूलम चार्ज कितना डिपॉजिट करेगा, 107.9 डिवाइड बाय 96500 ग्राम, ठीक है। और अगर मैं 420 कर दूं तो ये, अगर 420 कूलम हो तो ये कितना डिपॉजिट करेगा, इनटू आ जाएगा ये 420। तो इसकी सिंपली इसको कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकाल लो, तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 0.4 कुछ ऐसी थी, 0.469। तो ये आ जाएगा आपका 0.469 ग्राम, ठीक है। तो इतना तो आपका सिल्वर डिपॉजिट होगा, ठीक है बात। अब देखते हैं कॉपर को, यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो ना तो वो कितना, 1 मोल कॉपर को डिजोल्व करते हैं, और 1 मोल कॉपर का वेट है 63.55। तो यानी कि ये 63.55 ग्राम कॉपर को क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं, ठीक है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और 2 मोल का चार्ज कितना होगा, 2 × 96500 कूलम, यानी कि 63.55 ग्राम को क्या करते हैं, डिजोल्व कर देते हैं। तो एक कूलम कितने को डिजोल्व करेंगे, एक कूलम आ जाएगा आपका 63.55 डिवाइड बाय 2 × 96500, ठीक है। और 420 कूलम, तो 420 कूलम आपको कितना करेंगे, ये आ जाएगा × 420। तो इसकी वैल्यू हम सिंपली यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल देंगे, तो ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल आएगी, आएगी 0.138। तो ये आ जाएगी आपकी 0.138 ग्राम, ठीक है। तो इतने ग्राम तो आपका कॉपर डिजोल्व होगा, और इतने ग्राम आपका जो सिल्वर होगा वो डिपॉजिट होगा, ठीक है भाई। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये देखो, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ जैम में, ठीक है। अ स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर इज पास थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर 1.5 आवर। तो यहां पे इसने पूछा है कि करंट कितना है, 1.5 एम्पीयर, ठीक है। वो कितने टाइम के लिए पास किया, वो किया 1.5 आवर के लिए। बैटरी कितनी थी, 12 वोल्ट की थी। अब इसने जो 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है ना, इसका कोई काम नहीं, ठीक है। ये सिंपली आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, क्योंकि इसने क्या पूछा, टोटल चार्ज पूछा है। चार्ज हमें क्या पता है कि चार्ज होता है Q = IT, ठीक है, Q IT। तो हमें बैटरी का क्या लेना देना हमें, ठीक है। तो Q आपका IT के इक्वल होगा, I कितना है आपका, 1.5 एम्पियर, ठीक है, इनटू टाइम है आपका 1.5 आर, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत, क्यों, क्योंकि ये आपको आर में दे रखा है, इसको आपको किस में चेंज करना है, सेकंड में, बस यही ट्रिक थी इसमें। तो इसको आपको किस में, सेकंड में चेंज करना है। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा × 60, ये आपका मिनट में चेंज हुआ, और × 60 ये आपका सेकंड में चेंज हुआ। अब जो आएगा, क्योंकि एम्पियर इंटू सेकेंड आपका कूलम के इक्वल होता है, ये आपका किसके इक्वल आएगा, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वैसे तो इसको अगर हम करना चाहें डायरेक्ट, 15 का स्क्वायर 225, 2.25, ठीक है, और छिक छिक 36, ये आ जाएगा 3600। तो ये आ जाएगा 225 × 36, ठीक है, यही क्या आएगा ना, तो ये आ जाएगा 8100, तो ये आ जाएगा 8100 कूलम, ठीक है। ये आ गया आपका 8100 कूलम, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेशन को थोड़ा सा, वैसे तो कैलकुलेटर आपका अलाउड होगा, अगर आप इसको थोड़ा और आसान बनाना चाहते हो तो 225 को आप क्या लिख सकते हो, 225 को हम लिख सकते हैं, नहीं चल छोड़ो, अब कैलकुलेशन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको गेट में, ठीक है, क्योंकि गेट में क्या है, गेट में आपको कैलकुलेटर मिलेगा, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रो केमिस्ट्री आपका चैप्टर था, ये आपके चैप्टर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2-3 क्वेश्चन आप इसमें जैम में भी और गेट में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको जो फॉर्मूले बताया, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए कि क्या टर्म आपको क्या बता रही है,
ठीक है, आपको रिएक्शन लिखने आनी चाहिए, ई नोट वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, आप वहाँ से अपने सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दो चार क्वेश्चन ऐसे प्रीवियस ईयर सारे के सारे लगा के देखो, वो आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे, तो वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। ठीक है, चलो, तो ये था आपका चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग।